फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू आर हेल्दी एंड वेल बीइंग सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं सर अभिषेक कुमार आई एम योर वाला द मेंटर सो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी दैट इज द बायो मॉलिक्यूल सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिटेल डिस्कस अबाउट बायो मॉलिक्यूल सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल सो आई प्रोवाइड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड व्हाट्सएप सर माय चैनल सो प्लीज गो थ्रू व्हाट्सएप सर माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Macromolecule. बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं सारी की सारी चीजें इन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं आपको बताऊंगा तो पहले हम जानेंगे बायो मॉलिक्यूल क्या होते हैं हम जानते हैं कि बायो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएं उनको हम बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं अब उसमें कैटेगरी होगी कि बायो मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट की एक रेंज होगी है ना डाल्टन में उसके मॉलिक्यूलर वेट की क्या होगी रेंज होगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये बायो मॉलिक्यूल है फिर बायो मॉलिक्यूल में भी दो कैटेगरी होगी फिर बायो मॉलिक्यूल में दो कैटेगरी होगी कौन कौन सी माइक्रो एंड मैक्रो है ना उसमें भी कैटेगरी होगी माइक्रो मैक्रो मतलब जो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे जो माइक्रो बायो मॉलिक्यूल होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा कितने डाल्टन तक रेंज करेगा और माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितने रेंज तक वेरी करेगा तो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे तो पहले हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया है उसको देख लेंगे उसके बाद मैं इजी वर्ड में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा तो देखते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल है ना इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉमन फीचर था जो सारे कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जा रहे थे एसिड सॉल्युबल पूल क्या था मैंने आपको बताया था जब हम कंपाउंड की केमिकल एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या किसी प्लांट का टिश्यू लिया था यानी वेजिटेबल का लिविंग टिश्यू लिया था या लीवर का पीस लिया था उसको ग्लाइड किया था यानी उसको ग्राइंडर की सहायता से मोटर की सहायता से पेस्टल की सहायता से उसको ग्राइंड किया था इसके साथ में ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड है ना CCl3COOH है ना Cl3COOH यानी क्या था ये ट्राई क्लोरो क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में ग्राइंड किया था उसके बाद क्या था एक फिल्टर मतलब उसको हम चीट क्लॉथ से छान रहे थे तो उसमें हमको एक फिल्टर मिला था मतलब जो एसिड सॉल्युबल था एसिड के साथ सॉल्युबल घुल जा रहा था और फिल्ट्रेट के तरीके मिल गया था और एक जो बचा था चीट क्लॉथ के ऊपर था वो क्या था रिटेंड था यानी रिटेंड मतलब बचा हुआ भाग जो फिल्टर नहीं हुआ उसको क्या बोले रिटेंड बोले थे तो वही यहाँ पे बताया गया कि एक कॉमन फीचर था क्या था कि सारे के सारे एसिड सॉल्युबल पूल में एक कॉमन फीचर था वो क्या था दे है मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली कि उनका जो मॉलिकुलर वेट था सारे के सारे कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट था जो एसिड सॉल्युबल में थे उनका 18 to 800 डाल्टन उनका जो था क्या था मॉलिकुलर वेट था इस रेंज का मॉलिकुलर वेट था वो क्या थे बायो मॉलिक्यूल कहे जा रहे थे उसके बाद क्या है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था जो एसिड के साथ घुला नहीं था उसको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोला था हम लोगों ने उसमें क्या था हैव ओनली 4 type of organic है ना उसमें क्या 4 type के सिर्फ हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे किसमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो प्रोटीन था है ना न्यूक्लिक एसिड था पॉलीसेक्राइड था और क्या था लिपिड था ये कैसे थे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमको मिले थे है ना यानी रिटेंट वाले उस पर मिले थे तो क्या है दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड इस क्लासों में क्या है एक्सेप्शन है क्या है लिपिड का एक एक्सेप्शन है वो आगे चल के मैं बताऊंगा एक्सेप्शन क्या है लिपिड को बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं या क्या बोलते हैं सारी की सारी चीज़ें बताएंगे दीज क्लास कंपाउंड विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड है मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड एबव है ना इनमें जो होगा मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होगा इनका जो मॉलिक्यूलर वेट रेंज करेगा 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होगा फॉर दिस वेरी रीजन इन इस मॉलिक्यूल को इन बायो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर 2 type है ना तो इसके बेसिस पे क्या बोले कि जो केमिकल कंपाउंड पाए जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसके बेसिस पे 2 type के हो गए कौन कौन से हो गए दोज विच है मॉलिकुलर वेट लेस देन 1,000 डाल्टन एंड आर यूजली रिफर टू एच माइक्रो मॉलिक्यूल है ना तो उसको क्या बोला
माइक्रो मॉलिक्यूल बोला, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल बोलें या सिंपली उनको बायो मॉलिक्यूल बोलें। मैंने आपको बताया था इनका जो मॉलिक्यूलर वेट रेंज करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो यहाँ पे दिया गया हमको दोज विच मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, है ना, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या हो, कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। तो इनका रेंज कितना करेगा, 1800 डाल्टन, तो इनको हम क्या बोल देंगे, बायो मॉलिक्यूल बोल देंगे या माइक्रो मॉलिक्यूल बोल देंगे, ठीक है। और सिंपली इनको क्या बोलते हैं, बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन, जो कि एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में पाए जा रहे थे, तो वहाँ पे क्या था, उनको क्या बोल रहे थे, माइक्रो मॉलिक्यूल बोल रहे थे, है ना। जो एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में पाए जा रहे थे उनको क्या बोल रहे थे, माइक्रो मॉलिक्यूल बोल रहे थे या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोल रहे थे। फिर द मॉलिक्यूल इन द इन सॉल्वर फ्रैक्शन, है ना, ऐसा मॉलिक्यूल जो इन सॉल्वर फ्रैक्शन में पाया जा रहा था विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सेबस्टेंस, है ना, लिपिड के नाम पे झोल है भाई, लिपिड में ही कुछ गड़बड़ी है, क्या है वो मैं बताऊंगा। द मॉलिक्यूल इज एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में पाया जा रहा था विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सेबस्टेंस, लिपिड जो है क्या है, पॉलीमेरिक सेबस्टेंस है, यानी वो मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या हुआ, पॉलीमेरिक सेबस्टेंस हुआ। देन व्हाई डू लिपिड हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, है ना, 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन, एग्जाम्पल माइक्रो मॉलिक्यूल फ्रैक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा होता है, क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा होता है, वो एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में आता है, क्या आता है, एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में आता है। बट यहाँ पे लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो 800 डाल्टन से भी कम है, डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, यानी 800 डाल्टन से कम है द मॉलिक्यूल इन द इन सॉल्वर फ्रैक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सेबस्टेंस। देन व्हाई डू लिपिड दो मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, ये अंडर किसके आता है, एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में, है ना, एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में आता है। 800 डाल्टन से भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो किसमें, एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, एसिड सॉल्वर फ्रैक्शन में आना चाहिए, है ना। 800 डाल्टन से ज़्यादा होगा तो उसको एसिड इन सॉल्वर फ्रैक्शन में लेते हैं, तो ये इसमें बताया गया है। तो इस फिर क्या है, लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, है ना, लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली सच बट ऑल्सो अरेंज इंटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन, है ना। लिपिड कहाँ कहाँ पे और पाया जाता है, ये क्या है, लिपिड कहाँ पे पाया जाता है, ये सिर्फ ऐसे कंपाउंड के रूप में नहीं पाया जाता है, ये अरेंज होता है, ये अरेंज होता है कहाँ पे, स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे भी लिपिड अरेंज होता है, लिपिड वाई लेयर की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई थी, हमने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, जो कि सिंगलर और निकोलसन सामने दिया था, उसकी और भी अदर मेम्ब्रेन होती हैं उनमें भी ये लिपिड अरेंज होता है, और भी मेम्ब्रेन होती हैं उसमें लिपिड अरेंज होता है। सेल मेम्ब्रेन में मैंने देखा था लिपिड की बाई लेयर बनी हुई थी, उसमें हेड था, टेल था, जो टेल थी उसकी हाइड्रोफोबिक थी, हेड था हाइड्रोफिलिक था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, तो यही यहाँ पर बताया गया हमको कि जो कंपाउंड होता है लिपिड, ये कंपाउंड में अकेले नहीं पाया जाता है, ये अरेंज होता है स्ट्रक्चर्स में, है ना, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में और अदर मेम्ब्रेन में, है ना। व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू, जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं यानी उसको पीसते हैं, है ना, वी आर डिस्टर्बिंग सेल स्ट्रक्चर, तो हम उस चीज़ का, उस टिश्यू का क्या डिस्टर्ब करते हैं, उस चीज़ की हम क्या, पहले सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करते हैं, यानी किसी चीज़ को हम मिक्सर पर डालेंगे यानी ग्राइंडर पर डालेंगे, तो सबसे पहले उसकी क्या होगी, सेल का स्ट्रक्चर, यानी उसका जो सेल का शेप है, स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन एंड उसके बाद क्या, सेल स्ट्रक्चर के बाद क्या आ जाएगा, उसका आएगा सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, और उसकी अदर मेम्ब्रेन जो होती हैं सारी की सारी चीज़ें हैं उसको पीसेस में तोड़ देते हैं और क्या बना देते हैं, फॉर्म वेसिकल विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और वो वेसिकल बन जाती हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, है ना। उसकी स्ट्रक्चर को ग्राइंडर पे डालेंगे तो उसका पहले स्ट्रक्चर टूटेगा, उसके बाद फिर मेम्ब्रेन्स उसकी जो होंगी सारी की सारी स्ट्रक्चर टूट जाएगा और उनको बेसिकल बन जाएंगी जो कि वाटर इंसॉल्युबल होती हैं, याद रखेंगे, ठीक है। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल
ये जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट बने है ना, फ्रेगमेंट बने यानी छोटे छोटे टुकड़े बने, तो वेसिकल के फॉर्म में ये क्या करते हैं, गेट सेपरेट अलॉन्ग विद द एसिड इन सॉल्युबल पूल हेंस इन द माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसका ये क्या बोल रहा है कि जो हम किसी सेल के स्ट्रक्चर को हम ग्राइंडर पर डालते हैं, उसका स्ट्रक्चर सारी की सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर वो क्या बन जाती हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं, वेसिकल के फॉर्म में बन जाते हैं, फिर उनको सेपरेट कर लेते हैं एसिड इनसॉल्युबल, है ना, जो कि सेपरेट होते हैं अलॉन्ग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल, है ना, एसिड इनसॉल्युबल पूल से सेपरेट होते हैं, क्योंकि जो वेसिकल होती हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं, है ना, सॉल्युबल नहीं होती हैं, इसलिए वो एसिड इनसॉल्युबल पूल से सेपरेट हो जाती हैं, हेंस माइक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन, और इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, इनको माइक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या है, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमोलिक्यूल, है ना, जो लिपिड क्या है, स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल, है ना। अब आगे क्या है, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंटेड रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, एसिड सॉल्युबल पूल में क्या होता है, हम रफली बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है वो हमारा क्या होता है, एसिड सॉल्युबल पूल में आता है, क्या बोल सकते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है वो एसिड सॉल्युबल पूल में आता है, है ना। द माइक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, तो इसमें क्या बताया गया, जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के और एंड ऑर्गेनल्स, जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, है ना, ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म हो गया और ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं, यानी द माइक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनल से जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं, टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिज्म, है ना, ये जो होते हैं दोनों के दोनों मिलके ये क्या बनाते हैं, ये इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, यानी ये लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म का इंटायर पूरा का पूरा कंपोजिशन बना देते हैं, है ना, पूरा का पूरा कंपोजिशन बना देते हैं। इन समरी, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू द अरेंज देम क्लास वाइज वी ऑब्जर्व डेट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर हम ये समरी एक रिप्रेजेंट करें केमिकल कंपोजिशन में, है ना, कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाए जा रहे हैं, किसके बेसिस पे, उनकी अबंडेंस पॉइंट के बेसिस पे, यानी कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं, अबंडेंस का मतलब होता है पाया जाना, है ना, उसकी कितनी मात्रा में वो पाए जा रहे हैं, है ना, उनकी अबंडेंस कितनी है, उसके बेसिस पे अगर हम अरेंज करें, है ना, केमिकल कंपोजिशन लिविंग टिश्यू में, तो क्या हो जाएगा, क्लास वाइज, उनकी क्लास वाइज पे अरेंज करें, है ना, तो हम देखेंगे कि जो वाटर होता है हमारा क्या होता है, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वाटर होगा क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट केमिकल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस, है ना, लिविंग टिश्यू में उसकी अबंडेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करें। तो हमको टेबल दिखाई गई है 9.4 में, मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ, अभी हमको टेबल दिखाई गई है ना, टेबल में हमको दिखाया गया है, ये कंपोनेंट दिखाए गए हैं, टेबल में क्या दिखाया गया है, हमको कंपोनेंट दिखाए गए हैं, ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल का दिखाया गया है। अब एवरेज कंपोजिशन में सेल में कंपोनेंट बताया गया हमको, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है और आयन्स हैं। तो इधर परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास का परसेंटेज दिखाया गया है ना, तो वाटर जो होता है 70-90% होता है ना, लिविंग की बॉडी में 70-90% जो होता है वाटर होता है। उसके बाद जो प्रोटीन होता है, 10-15% जो होता है वो प्रोटीन होता है। उसके बाद क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 3% होता है, और जो लिपिड होता है वो 2% होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है 5-7% होता है, और जो आयन होते हैं वो कितने परसेंटेज होते हैं, 1% आयन होते हैं, 1% क्या होते हैं, आयन होते हैं। अभी हमको याद कैसे होगा, हमसे इसका ऑर्डर पूछ लेते हैं, इनका ऑर्डर क्या है, जैसे मैंने आपको लिविंग अर्थ क्रस्ट में और लिविंग टिश्यू में उनका अबंडेंस का, आयंस का अबंडेंस का एक ट्रिक दिया था, उसने कहा ना मांगूंगी सिलिका, ये लिविंग के लिए था, उसी का नाम है चंद्रशेखर यानी सीएस, तो वो नॉन लिविंग के लिए था, या अर्थग्रस्त में कंपोजिशन थे एलिमेंट के, उसके बारे में मैंने ट्रिक दी थी, उसी तरह मैं आपको यहाँ पे भी ट्रिक बताऊंगा, तभी आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। तो देखते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, इसके कंपोजिशन के लिए मैंने ट्रिक बनाई क्या, डब्लू से हुआ वाटर, है ना, पैन से मतलब प्रोटीन, एन से क्या हुआ न्यूक्लिक एसिड,
और क्या हुआ, सी से हुआ कार्बोहाइड्रेट, जल से हुआ लिपिड और आयन है। तो वाटर कितना पाया जा रहा है, 72-90% वाटर पाया जा रहा है। उसके बाद प्रोटीन पाई जा रही है, प्रोटीन कितनी, 10-15% पाई जा रही है। और न्यूक्लिक एसिड जो पाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड 5-7% पाया जा रहा है। और उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितना परसेंटेज पाया जा रहा है, 3% कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। और जो लिपिड है, लिपिड कितने पाए जा रहे हैं, 2% लिपिड पाए जा रहे हैं। और आयन जो है 1% पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑर्डर था, क्या था, डब्लू वाटर हो गया है ना, पैन मतलब प्रोटीन, एन से न्यूक्लिक एसिड है ना, सी से कार्बोहाइड्रेट, यल से लिपिड और फिर ऐसे आयन, यानी इसका ये ऑर्डर हो गया डब्लू पैन स्लाई। डब्लू पैन स्लाई से हम इसको याद कर लेंगे, किसे याद कर लेंगे, डब्लू पैन स्लाई से, डब्लू पैन स्लाई, ठीक है, यानी डब्लू वाटर, पैन से यानी प्रोटीन, एन से यानी न्यूक्लिक एसिड, सी से यानी कार्बोहाइड्रेट, यल से यानी लिपिड, आई से यानी आयन। इसका ये परसेंटेज ऑर्डर पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा वाटर पाया जाएगा, फिर प्रोटीन पाया जाएगा, फिर न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, फिर लिपिड पाया जाएगा, फिर आयन पाए जाएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जाता है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।